सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल प्रिया ब्लॉग्स हिमाचली में। मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं तैयार हो गई हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ मेरी ननद के घर यानी कि चुटकी के घर, और आज उसका बर्थडे भी है तो वीडियो के माध्यम से भी मैं उसको विश करना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे। वैसे तो मैंने विश ऐसे भी कर लिया था, तो अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि बस का टाइम भी होने ही वाला है और जिया जी और पिताजी आगे चले गए हैं। तो देखिए गाइस, जिया जी कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी गुड़िया भी अच्छी है। अरे राधे राधे जी, आज हम अपनी बेटी के घर जा रहे हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है। थोड़ा सा दुख महसूस हो रहा है कि पूरी फैमिली जा रही है, सिर्फ बेटा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बेटी है साथ। गिफ्टी का चेक करें गाइस जी, आज बेटी का बर्थडे है। सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि चुटकी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि जिया जी और पिताजी भी आ रहे हैं। चुटकी को सिर्फ ये पता है कि मैं और गुड्डी आ रहे हैं। तो गाइज ये रहा मेरा फुल लुक। तो आपको मेरा फुल लुक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज मैं ऐसे सज धज के जा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं चुटकी के यहाँ पहली बार जा रही हूँ शादी के बाद। और चुटकी के यहाँ मेरे दो दो रिश्ते हैं, जो चुटकी के हस्बैंड है वो मेरे धर्म भाई है और जो चुटकी है वो मेरी ननद है। तो इसलिए मेरे को खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम सब लोग जा रहे हैं, और थोड़ा सा दुख है कि मेरे हस्बैंड जी नहीं आ रहे हैं, पर ज़्यादा दुख भी नहीं है क्योंकि उनको ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। पिताजी पीछे देखो, कहाँ जा रहे हैं आप आज? नहीं दंगों से क्यों बोल रहे? अभी हम लोग सुन्नी बाजार पहुंच गए हैं और हम यहाँ पर ना एक शॉप के आगे खड़े हैं, बेकरी के आगे। तो वहाँ पर हम अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि केक वाले भैया नहीं आए हैं, तो वहाँ से हम चुटकी के लिए केक भी ले जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं और उधर साइड से बस आएगी। जो लोग पहुंचकर हमने थोड़ा बहुत सा खाना खाया और उसके बाद चल पड़े हम सफर में आगे की तरफ। और अभी हम पहुंच गए हैं मालगी पुल, जहां से एक रोड जाता है ध्रोगड़ा की तरफ यानी कि मेरे माई के साइड, और एक रोड आगे की तरफ जाता है जिसमें हमें जाना है। बस में मैं सो गई थी और अब जाकर मेरी नींद खुली है। और हम कहां पहुंचे हैं, यहां पर जगह का नाम तो मुझे नहीं पता है, पर यहां से झंझैली शायद 5-7 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम झंझैली पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ ऊपर का मौसम ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नीचे की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, पर यहाँ पर अभी ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी सारे चीड़ों के पेड़ हैं। और यहाँ पर मुझे सेब का बगीचा भी दिखाई दे रहा है जिसमें कि छोटे छोटे से ना सेब लगे हुए हैं। तो ऊपर साइड को यहाँ पर सेब भी होते हैं। और ये देखिए ऊपर को चील का पूरा जंगल, बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी हम चुटकी के घर के पास पहुँच गए हैं और अभी हम उसका रिएक्शन चेक करेंगे कि उसको कैसा लगता है। पता तो नहीं लग गया था इनको। अच्छा तो अभी हम लोग चुटकी के घर पहुंच गए हैं और ये रही चुटकी बर्थडे गर्ल, बर्थडे वुमन। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसा लगा आपको सब लोग आए? बढ़िया। पता था कि जिया जी भी आएंगे? नहीं पता नहीं था। तो यहाँ पर हमारे जिया जी बैठे हैं और ये हमारे मासी जी है। कैसा लग रहा आपको? बहुत बहुत अच्छा। मैं पहली बार आई बेटी मेरे घर पहुंचे। थैंक यू। ये हमारे जेठ जी है और ये इनके धर्म बेटा है यानी कि इनके धर्म भाई। और मेरे धर्म भाई शाम को आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी शाम को। और यहाँ पे पिताजी बैठे हैं जो नहीं आने वाले थे फिर भी आ गए। तो अभी मैंने चेंज भी कर लिया है और मैं आ गई हूँ लेंटर पे।
और यहाँ से आसपास का व्यू मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अभी शाम के 6 बजे है और सामने का व्यू कुछ ऐसा है, चारों तरफ को दिखाई देता है और यहाँ पर एक काला सा बड़ा सा बादल आया हुआ है और यहाँ पर शायद स्कूल हो सकता है सामने, जो मेरे को लगता है। और यहाँ पर सबके घर ही घर है, मतलब अकेला घर नहीं है जैसे हमारे है। और पार वाली तरफ को धार, जिसमें बहुत कम पेड़ पौधे है। और यहाँ पर देखिए, अच्छी बात यह कि सड़क यहाँ पर बहुत नज़दीक है, यहाँ पर लेंटर है और यहीं पर हम बस से उतरे हैं। पार से देखिए अभी एक बस भी आ गई है, तो शायद इसमें भैया आ रहे हैं शायद से, क्योंकि मुझे यहाँ के बसों के बारे में पता नहीं है, पर चुटकी बता रही थी कि एक येलो कलर की बस आएगी। कितना क्यूट है। बी आई आर टी एच नहीं है, डी ए वाई। एच का है, वेयर इज एच। वाओ वेरी नाइस, ये हमारे परा है, जरा उड़ के दिखाइए। ये पापा का मगरमच्छ है। ए हमारे बहुत शरीफ भैया है। तो ये देखिए गाइज, ये है बर्थडे गर्ल। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। और ये देखिए इनकी ड्रेस, जो कि अभी भैया ने लाई है, क्योंकि भैया आज ही आए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। बहुत अच्छी ड्रेस है, आपको अच्छी लगी? ये है जी, ऐसे करके होते हैं हमारे पहाड़ों में, लगाए जाते हैं कानों में। बाकी लगाते हैं दीवारों में। अच्छा लगा गिफ्ट? हाँ।